अरविंद सावंत ने जो वक्तव्य किया है उसकी उन्होंने माफी मांगना चाहिए, नहीं तो रास्ते पे पूरी गरीब जनता है रास्ते पे उतरेगी। गरीब जनता का अपमान करने का अधिकार उनको किसी ने दिया नहीं है। आज कोई रिक्शा वाला हो, पान टपरी वाला हो, चाय वाला हो, भाजी वाला हो, टेम्पो वाला हो या कोई लेबर भिखारी हो, आज मेरे ख्याल से 20% जनता है लेबर काम करती है, उनका अपमान करने का, पूरे देश की जनता का अपमान करने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया। जो कोई अपने अच्छे मौकाम पे पहुंचता है वो कड़ी मेहनत करके पहुंचता है, अपने फैमिली को पीछे रख के पूरा दिन रात उसमें जब मेहनत करता है तब वो मौकाम पे पहुंचता है। ऐसा मेहनत करने वाले आदमियों का अपमान करने का उनका कोई अधिकार नहीं। मेरे ख्याल से उनकी सोच ही वही है गरीबों के लिए। इसके लिए आज वो भी कौन थे उन्हें उनका आत्मचिंतन करना चाहिए। वो खुद क्लर्क थे तो तुम क्या बने, तो तुम्हारा अपमान होना चाहिए। मैं हम उनका निश्चय जाहिर निश्चित करते हैं, उनको हम जोड़ मारने करने वाले हैं। दादा, माफी मांगने का करना? बोलो ना, नहीं माफी मांगेंगे तो गलो गली में आंदोलन होगा। आज मेरे कई रिक्शा वाले यूनियन वाले आए, हम कल करूँ क्या, हम परसों करूँ क्या, गली गली में ये होगा। रिक्शा वाला ने, भाजी वाला भी उसमें उतरेगा, टपरी वाला भी उतरेगा, लेबर भी उतरेगा, जो फेरी वाला उतरेगा, हर घटक इसमें उतरेगा। क्योंकि मुझे पता है मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री ने फेरू वालों को भी 10,000 रुपये उनके खाते में डालने का काम किया है, और रिक्शा वाला टैक्सी वाला उनके लिए एक महामंडल बनाने वाले हैं, उनका मान सम्मान करने वाले, उनका अपमान करने का काम है अरविंद सावंत ने किया, उसको हम धड़ा सिखाएंगे।